हाय गाइस, मैं आपका अपना पवन तेवतिया और आज हम लेकर आए हैं ब्लॉग नंबर टू। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना ब्लॉग नंबर टू, जो हमने पिछले हफ्ते आपसे शेयर किया था। फैट लॉस जर्नी मैंने स्टार्ट किया है एक हफ्ते पहले, तो आज हम हमारा सेकेंड ब्लॉग है, सेकेंड वीक है आज हमारा। तो मैं आपसे शेयर करूंगा कि मैंने पिछले वीक में क्या क्या खाया है और मैंने क्या क्या सप्लीमेंटेशन ऐड किया है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे वो है फंक्शनल ट्रेनिंग। और आज हम फंक्शनल ट्रेनिंग करने वाले हैं और बहुत ज्यादा फैट लॉस में हेल्प करती है हमारी फंक्शनल ट्रेनिंग। और आपका फंक्शनल ट्रेनिंग होता क्या है? फंक्शनल ट्रेनिंग एक पूरी बॉडी की मोमेंटम एक्सरसाइज है, उसमें बहुत ज्यादा फैट लॉस में वो हमारी हेल्प करती है। और आज हम स्टार्ट करने वाले फंक्शनल ट्रेनिंग से। 5 से 6 एक्सरसाइज में आपसे शेयर करूंगा फंक्शनल ट्रेनिंग की। और गाइस चलो ये हो गया हमारा बीसी डबल ए, ये इसको हम इंट्रा वर्कआउट एज अ फ्यूल यूज करते हैं। ये मसल की इंट्रा वर्कआउट फास्ट रिकवरी करता है, इसको हम इंट्रा वर्कआउट ऐड करेंगे। हम स्टार्ट करेंगे, इसमें भी हम 10-10 मिनट का जो है कार्डियो ऐड करेंगे। तो नंबर 1 साइकिलिंग ऐड करेंगे, उसके बाद हम 10 मिनट ट्रेडमिल करेंगे। ट्रेडमिल को हम इंक्लाइन वॉक करेंगे, 3 से 4 इंक्लाइन रहेगा और 4 से 5 की स्पीड रहेगी वॉकिंग की। मेरा लास्ट वीक में 4 किलो फैट लॉस हुआ है, मसल लॉस बिल्कुल भी नहीं हुआ है। और मैं आज आपको बताऊंगा कैसे कैसे मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ और कैसे कैसे मैं अपना डाइट ले रहा हूँ, वो सारी चीज़ें मैं शेयर करूँगा आपके साथ। जो स्पीड हमारी रहेगी 4 से 5 और जो इंक्लाइन रहेगा वो भी हमारा 5 तक रहेगा। स्पीड हमारी 4.5 तक हो सकती है और नॉर्मल वॉक करना है, एरोबिक जोन में रह के वॉक करना है। उसमें हमारा जो फैट होता है वो मेन फ्यूल होता है। 10 मिनट हम इसको करने वाले हैं। जो पहली एक्सरसाइज रहेगी हमारी वो रहेगी जंपिंग स्क्वाट। जंपिंग स्क्वाट हमारी फुल बॉडी एक्सरसाइज है, ये फैट लॉस में बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। तो पहले मैं मूवमेंट चेक कराऊंगा कि कैसे करनी है कैसे नहीं करनी है, ठीक है? कैसे नहीं करनी वो चेक करो पहले, ये नहीं करनी, ये करनी है। मैं 4 सेट 20-20 रिपीटेशन रहेंगे और 4 सेट कर रहे इसके। जो हमारी सेकंड एक्सरसाइज रहेगी वो रहेगी स्टेप अप। स्टेप अप को कैसे करना है? एरोबिक जोन में रह के करना है, जिसमें आपकी सांसें ना फूले, ब्रीथ कंफर्ट रहे। 1 मिनट का हमको इसका सेट लेना है और कैसे करना है ये चेक करो। 1 2 1 2 इसको 1-1 मिनट तक आपको ऐसे ही एरोबिक जोन में करना है। इसमें जो आपका मेन फ्यूल रहेगा वो फैट रहेगा।
फैट लॉस में बहुत ज्यादा हेल्प करेगी गाइस, ये बहुत ज्यादा हेल्प करेगी आपकी। और इसका भी सेम चार सेट करने, हमारी थर्ड एक्सरसाइज है केटलबेल स्विंग। केटलबेल स्विंग हमारी पूरी बॉडी की मूवमेंट कराती है, और इसको कैसे करना है कैसे नहीं करना वो दोनों चीजें मैं आपको बताऊंगा। केटलबेल स्विंग की मूवमेंट चेक करना है, केटलबेल स्विंग की सही मूवमेंट, ट्रिपल फ्लेक्शन, ट्रिपल फ्लेक्शन, बॉडी एक्सटेंशन, फुली एक्सटेंशन, फुली एक्सटेंशन, तीनों जॉइंट मूव करेंगे इसमें, आपके एंकल नी हिप आपके तीनों जॉइंट मूव करेंगे इसमें, और ट्रिपल फ्लेक्शन कराना है और ऊपर आके बॉडी को फुली एक्सटेंडेड करना है। तो दोबारा से मूवमेंट चेक करा रहा हूं, सही मूवमेंट जो है केटलबेल स्विंग की है, ये बहुत ज्यादा अच्छी एक्सरसाइज है, ये आपकी कंडीशनिंग एक्सरसाइज है और आपकी फैट लॉस में बहुत ज्यादा हेल्प करती है। और इसके भी सेम चार सेट करने, 15 से 20 रेपिटेशन सेम। जो हमारी फोर्थ एक्सरसाइज रहेगी वो रहेगी माउंटेन क्लाइंबिंग। माउंटेन क्लाइंबिंग कैसे होती है ये मैं आपके साथ शेयर करूंगा, और इसमें भी सेम 20-20 रेपिटेशन करने दोनों साइड, चेक करते हैं मूवमेंट कैसे करते हैं माउंटेन क्लाइंबिंग। ये आपकी बहुत ज्यादा फैट लॉस में हेल्प करेगी। इसमें एक चीज का ध्यान रखना है, कोर को आपको एक्टिवेट करके रखना है, कोर है एक मसल, इसको एक्टिवेट करके रखना है आपको। ये रहेगा आपका सेट करने, ये बहुत ज्यादा वेट लॉस में आपकी हेल्प करेगी, फैट लॉस में बहुत ज्यादा हेल्प करेगी आपकी एक्सरसाइज। पीसी डबल हमारे मूवी ऑयल की तरह काम करता है बॉडी के अंदर, मसल की साथ के साथ रिकवरी करता है और हमारी एनर्जी को बूस्ट अप करता है, एनहेंस करता है। तो आज हमने फंक्शनल ट्रेनिंग करी जो फैट लॉस में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, और हमको इसको इंट्रा वर्कआउट, तो मैंने अपना वर्कआउट है जो ऐसे प्लान किया है, एक दिन वेट ट्रेनिंग कर रहा हूँ और एक दिन आपका फंक्शनल ट्रेनिंग ऐड किया है, फिर तीसरे दिन भी वेट ट्रेनिंग कर रहा हूँ, मल्टीपल मसल्स को हिट कर रहा हूँ। और अपना मैंने जो डाइट है अपना वो कैसे प्लान किया है, मैंने अपना डाइट कैलोरी डेफिसिट में हुई है, मैंने बहुत सारा कैलोरी कट ऑफ किया है, अपना शुगर कट ऑफ किया है और अपना अप कम किया है, शुगर कम किया है, अपना बाहर का बिल्कुल छोड़ दिया है, और अपना अच्छे से प्रोटीन इंटेक जो है इसमें बहुत ज़्यादा काम करता है, प्रोटीन इंटेक अपना अच्छा रखो और अपना जो कार्बोहाइड्रेट है उसको भी बैलेंस रखो, और अपने फैट्स को भी ऐड करो, ओमेगा 369 को भी ऐड करो, आपका फिश ऑयल हो गया, आपका सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड फैट को भी ऐड करना है, जैसे अनसैचुरेटेड फैट आपका पीनट बटर हो गया उसको भी रखना है, खाने को भी बैलेंस रखना है, कुछ भी छोड़ना नहीं है, क्योंकि हम टेम्परेरी फैट लॉस नहीं कर रहे हैं, हमको लॉन्ग टर्म इसको लेके जाना है। अगर आपको मेरे अंदर चेंज दिख रहा हो तो प्लीज़ कमेंट में बताओ मेरे को। वैसे मेरा 3-4 किलो जो है हमारा एक हफ्ते में फैट लॉस हुआ है, और अगले हफ्ते में देखते हैं हमारा क्या रिजल्ट रहता है। वर्कआउट भी बैलेंस चल रहा है, डाइट भी बहुत अच्छी चल रही है, ठीक है, जो मेरा प्रोटीन इनटेक है वो भी मेरा बॉडी वेट के LBS के हिसाब से चल रहा है। जैसा मेरा बॉडी वेट अभी हमने लास्ट टाइम देखा था तो 92 किलो था, तो उसके अकॉर्डिंग LBS के हिसाब से मेरा प्रोटीन इंटेक चल रहा है, मेरा जो फैट है वो भी गुड फैट है, जो हमारे सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड फैट है वो भी बैलेंस चल रहे हैं। काफ्स में मैं आपका राइस ले रहा हूँ, छोटी बाउल की राइस ले रहा हूँ। तो हमको 60 मिनट का वर्कआउट करना है, वर्कआउट को ज़्यादा लंबा नहीं लेके जाना है, उससे कुछ भी फ़ायदा नहीं होने वाला है, वर्कआउट को आप जितना लंबा खींचोगे उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, मेन जो है वो है डाइट, आपका कैलोरी डेफिसिट में आपको रहना पड़ेगा, कैलोरी इनटेक है जो आपका कम करना पड़ेगा आपको, उससे ही फैट लॉस होता है। 1.5-2 घंटे वर्कआउट करने का कोई फ़ायदा नहीं है, 60 मिनट का वर्कआउट इनफ होता है, और अपना कैलोरी
डेफिसिट में अपनी बॉडी को रखना है। जो नेक्स्ट वर्कआउट रहेगा मैं आपसे नेक्स्ट वीक शेयर करूँगा, अपना ट्रांसफॉर्मेशन मैं आपसे शेयर करूँगा, और प्लीज़ मेरे को मोटिवेट करें और मेरा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और कमेंट्स में बताओ मेरे को जो अपने क्वेश्चन है किसी भी चीज़ से रिलेटेड फिटनेस में, मेरे से कमेंट बॉक्स में मैसेज करें। और बहुत ज़्यादा अच्छा प्यार मिल रहा है और ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखें। आपका अपना पवन तिनोथिया, और मैं आपसे आगे भी ऐसे ही जुड़ा रहूँगा, सारी चीज़ें जो भी मैं कर रहा हूँ पर अपने ट्रांसफॉर्मेशन में मैं आपसे शेयर करता रहूँगा। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं आपसे हम अगले हफ्ते। थैंक यू, जुड़े रहने के लिए थैंक यू।